सही कह रहे हो। ₹51 में नारियल नहीं है, बाकी 101 और उससे ऊपर जितना भी आपकी श्रद्धा है आप प्रसाद ले सकते हैं, यहीं से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये पांडे जी हैं हमारे, इनकी दुकान है और इनका होटल भी है इन्हीं में, और यहाँ पे आप सामान वामान ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ की चढ़ाई हम शुरू करेंगे, चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग तैयारी पे हो गए हैं और ये देखिए हमारी गाड़ी आ गई है और इसी में आज हम भर के और लद के ऐसे जाएंगे और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे। और रास्ते में जो जो भी होता है, जैसे होता है, माँ पूर्णागिरी के दर्शन कैसे करने, क्या प्रक्रिया, सारी चीज़ बताएंगे। तो वीडियो में बन रहिएगा और वीडियो पूरा देख के जरूर जाइएगा। तब तक के लिए माता जी की जय। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं माँ पूर्णागिरी के दरबार में और यहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करते हैं और आगे जाके नहाना करेंगे, स्नान करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। नेपाल भाई हमारे साथ में है, ये हर जगह साथ में रहते हैं, ध्यान रखिए जरूर। आयुष भी है हमारे साथ। हाँ नेपाल भाई क्या कह रहे हो? मन की अभी तो आधे रास्ते ही नहीं आए हैं, चढ़ गए अभी, रास्ते नहीं आए अभी, बाकी है, बाकी है। तो चलो चलते रहते हैं भाई साहब। ये अपनी मंडली है भाई साहब, जय माता दी, सारे लोग हैं। अभी इनको सबको दिखाएंगे बढ़िया कर। चलो भाई लोग आगे चढ़ाई करो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाओ। तो दोस्तों चढ़ाई तो कर रहे हैं, हालत खराब ज्यादा हो रही है और देखिए मेरे पीछे पब्लिक आ रही है, और बरसात भी हो रही है। मौसम बड़ा प्यारा और सुहाना है और ये है ऑक्सीजन, इसलिए आपको भीड़ भाड़ जरा कम नज़र आएगी। बहुत चुनिंदा लोग आते हैं इस टाइम पे और चुनिंदा लोगों में हम भी एक हैं। धर्मशाला में, धर्मशाला का पूर्णागिरी में दुकानें होती हैं, वहीं पर नहाना धोना सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे आ गए हैं, नहा धो लिए हैं और यहीं बैग रख जाएंगे और बैग रखने के बाद आगे चढ़ाई करेंगे। यहाँ से हमें पैदल जाना है और यहीं पर हम प्रसाद खरीदेंगे और प्रसाद देखते हैं कितने का है, चलिए जानते हैं कितने रुपये का प्रसाद है। कितने का प्रसाद? जैसे श्रद्धा जैसे 101 है, 151 है, 251 है। छोटा वाला तो नहीं है कोई? एक छोटा वाला दे दो, बड़ा वाला दे दो। 51 में होगा, सादा होगा, तुम नारियल नहीं होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक ही घर में जाना है ना, ये बात है। हाँ तो यहाँ पे आप 51 रुपये में नारियल नहीं है, बाकी 101 और उससे ऊपर जितना भी आपकी श्रद्धा है आप प्रसाद ले सकते हैं, यहीं से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये पांडे जी हैं हमारे, इनकी दुकान है और इनका होटल भी है इन्हीं में, और यहाँ पे आप सामान वामान ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ की चढ़ाई हम शुरू करेंगे, मिलते हैं। दोस्तों हमने प्रसाद ले लिया है और हम आगे की चढ़ाई अब शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी श्रद्धा है, आप कितने का प्रसाद ले सकते हैं, 51 रुपये से स्टार्ट है और आपकी श्रद्धा है 101, 500 जितना का भी लेना चाहें वो आपकी श्रद्धा है। और ये देखिए आगे के सफ़र जारी रखें, लगे पड़े हैं ये बोलिए। यहीं से तो स्टार्ट है, तो फिर तुम कह रहे थे खाली यहाँ से, अब ऊपर को चढ़ाई हुई। हाँ ये वो नीचे को दूसरा रास्ता जाने वाला, इधर जाएंगे ये नीचे नीचे वो रास्ता हुआ दूसरा जाने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम और सुहाना, आज हम ऐसा लग रहा है कि हंसी वादियों में और माता जी के मंदिर में ऐसे आ रहे हैं। और कोहरा देखिए, मौसम देखिए, और कितना अच्छा लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। थोड़ी सी थकान जरूर महसूस होती है लेकिन देखिए कितना अच्छा नज़ारा, देखिए ऊपर कोहरा आया हुआ है, मौसम का कोई वही नहीं है और दिल खुश नज़ारा है। और आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी बाकी है अभी, बस ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। आधे भाई हाथ आधे, ये हाथ दे रहा है भाई।
तो दोस्तों हम लोग अब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं माता जी की और हमारी टीम पूरी तैयार है, नीचे भी है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। बोलो पूर्णागिरी मैया की जय, बोलो सेवावाली मैया की जय। सवाल उठाए तो बजा हम आधी चीड़ियाँ आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं पूर्णागिरी मैया की, आधी और बची हैं बाकी की हैं, 410 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उसके बाद माता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों आप लोग को जैसे पता है, इनको नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, नेपाल सिंह है, बगल में नेपाल बॉर्डर भी है, यहाँ से दिख रहा है बहुत दूर से चलेंगे। तो इनका नेपाल सिंह आ गया है, इनका नाम नेपाल सिंह है, तो नेपाल है ये, तो इसे नेपाल के बारे में जाके यहाँ बोलना स्टार्ट किया, बाकी कहीं नहीं बोला। अब चलो चलते हैं अगली जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी बिरादरी का एक बंदा मिल गया है और बहुत खास बंदा, देखो अजय कुमार साहू गासगंज एटा, नज़दीक से जूम करके दिखाइए, चलिए। बरसा बारिश होती है, बारिश में ऐसे पत्थर नीचे अक्सर आ जाते हैं, जैसे ये देखिए ये जाने का रास्ता है मंदिर से वापस आने का, देखिए यहाँ रास्ता बंद हो गया, इतना बड़ा पहाड़ है और पूरा रास्ता बंद हो गया। ये माता रानी की कृपा है, किसी को चोटिल नहीं हुआ, कितनी अच्छे तरीके से रहे सारे। और आगे नेपाल सिंह का हाँ यार सही कह रहे हो। हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, वो वीडियो हम इसमें वीडियो में ऐड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ फोटो खींचने की और वीडियो बनाने की पाबंदी, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए इतना रिस्क ले लेते हैं। ये माता रानी की गुफा है और ये है माता रानी की गुफा जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए। और उसके बाद ये है हमारी माता रानी की मेन प्रतिमा जो मेन मंदिर है ऊपर है, हम लोग आप लोगों को यहाँ का दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र आ रहे हैं और ये माता रानी के वो प्रतिमा रखी गई है और ये पूरा पीतल की है। और यही दोस्तों यहाँ की खास बात है कि यहाँ पे बहुत ही शुद्ध आत्मा को इतनी शांति मिलती है कि जहाँ पे हम लोग को बार बार आने का मन करता है, नज़ारा इतना सुंदर नज़ारा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोग जरूर आइए, थोड़ा माता रानी के आस्था में विश्वास रखिए और मंदिरों में जाना जरूर। आप लोग देख रहे हैं माँ पूर्णागिरी धाम पे ये सब दुकानें बंद की हुई, दुकानें बंद इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी ऑक्सीजन चल रहा है, अभी नवरात्र आए नहीं है, बारिश का टाइम है, तो इस चक्कर से यहाँ अधिकतर दुकानें आपको बंद मिलेगी। जैसे ही नवरात्र आता है, वैसे ही कोई महोत्सव आता है, वैसे ही पूरा दुकानें खुल जाएंगी। कुछ दुकानों में काम चल रहा है और जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरा मेला जैसा लगेगा, सज जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ की स्थिति अभी ये हो रखी है कि यहाँ पे ऐसे माहौल हो रखे हैं, देखिए हनुमान जी की ये हालत है और यहाँ पे ये ऐसा हो रखा है, देख रहे होंगे आप, देखिए मेला घर के लिए भी बांटने के लिए भी आप प्रसाद दे रहे हैं। दोस्तों ये है झूठे का मंदिर, यहाँ पे किसी व्यक्ति की मुराद मांगी थी
किसी व्यक्ति ने मुराद मांगी थी कि मैं रात पूरी सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में ये छत्र चढ़ाया है, देखिए आपने पीतल का छत्र चढ़ा दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं देश में, मुराद मांगते हैं जब पूरी हो जाती है तो उसके लिए ऐसा लोग करते हैं। बताइए ये कोई अच्छी बात है? जो मांगो वो तो कम से कम पूरा तो करो यार, जो दो भगवान दे रहा है तो देने में क्या दिक्कत है भगवान को। दोस्तों यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, माँ पूर्णागिरी के रास्ते में ये नज़ारा है और आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा, भव्य नज़ारा। आसमान में छोटे छोटे बादल जैसे बने हुए कोहरा आया हुआ है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापसी, दर्शन करके प्रसाद हमारे हाथ में है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा, अभी हमें नेपाल भी चलना है, तो गलती मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को यहीं स्किप मत करिएगा। आप कौन कर रहे गई हमारे हो गए हैं और हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास और यहाँ से हम अपनी गाड़ी से यात्रा करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो गाड़ी वहाँ से ली थी वो गाड़ी थी हमारी हायर वाली गाड़ी, जो 50-50 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से लिया था। ढूड़ी घाट कौन सा ये पड़ता है यार? भूम चौकी। ये भूम चौकी से आप लोगों को अपनी इनकी टैक्सी में जाना पड़ेगा 50-50। जो अपनी पर्सनल गाड़ी ले आए हैं वो तो जा सकते हैं, बाकी जो पिकअप और छोटा हाथी या ऐसे छोटी गाड़ियाँ लाते हैं वो लोग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सब टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो ये बातें ध्यान रखना दोस्तों। और फिलहाल हम अब चलते हैं नेपाल और उसके बाद चलेंगे हम गुरुद्वारा नानक मत्था, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वीडियो मिस नहीं करना है, ऐसे ही मजे आपको हम लगातार दिखाते रहे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं नेपाल और भैरव बाबा के मंदिर में, तो आज हम लोग आपको यहाँ मंदिर के दर्शन कराएंगे और बताएंगे नेपाल के अंदर क्या होता है, कहाँ खाना खाएंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ बताएंगे। आप तब तक मंदिर के भ्रमण जरूर करिए, एक बार घुमा रहा पूरा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आपने कहा था कि नेपाल की आपको फोटो जरूर दिखाऊंगा और ये शारदा डैम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शारदा डैम है जो आप लोग इतिहासों में हर जगह पढ़ते हो, ये वही शारदा डैम है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मज़ा आता है। और यहाँ पे जब आओ नेपाल के अंदर जाओ, आपको वीडियो मैंने बना रखी है, आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, आप सीरियल वाइज देखिएगा तभी मज़ा आएगा। और ये हमारे नेपाल सिंह है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे कि नेपाल सिंह आके नेपाल सिंह की बातें ना करें तो हम बताए कुछ कहिए। ये शारदा नदी है, इसके पीछे नेपाल बॉर्डर है। कुछ नया बताओ।
यहाँ आके देखो नजारा अच्छा है। अच्छा है। वाए वाए। सामने देखो टनकपुर बैराज लिखा हुआ है। टनकपुर बैराज शारदा नदी बैराज है वो। टनकपुर लिखा हुआ है। चलिए आगे बताइए। यहाँ आने का नजारा ही कुछ और है। और कुछ? और ये हमारे आयुष भाई हैं, ये हमारे अनिकेत भाई हैं, ये सब लोग मिलके अपने कांधों पे बैठा के हमें लेके आए हैं। चल बेटा चल। ये पत्थर क्या करना है? ये सिर में मारना है क्या? चल बेटा चल 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 चल। जरा गेस करिए और बताइए कि मैं कहाँ पे हूँ उस समय, और नज़ारा देख के खुद अनुमान लगा सकते हैं। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो अक्सर बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। और बहुत अच्छी जगह है, सुहानी जगह है, इसको बोलते हैं टनकपुर डैम। टनकपुर डैम, शारदा डैम जिसको बोलते हैं, वहीं पर हम लोग आके खड़े हुए हैं और यहीं से फ़ोटो बना रहे हैं और फर्स्ट क्लास नज़ारा ले रहे हैं। देखिए कैसे बनता हुआ जा रहा है सामने डैम। खड़ा हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। 15-20 क्या करोगे यार? दूर की फोटो ले लियो यार। हाँ, दूर की फोटो ले लियो। धन्यवाद द्वार लाज आस गोविंद दास।